हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बाय लाइफ। तो आज मैं सिंपली डायसेक्ट करने वाला हूँ ऑनियन को। उसकी सिंगल सेल लेयर निकालूंगा, ऑब्जर्व करूंगा अंडर द माइक्रोस्कोप। तो चलें स्टार्ट करते हैं जी। तो गाइस, इसमें हमें मटेरियल रिक्वायर्ड है, एक ट्वीज़र, सीज़र, कवर स्लिप, स्लाइड और ऑनियन रिक्वायर्ड है। तो इसके बाद हम इस ऑनियन को डायसेक्ट करते हैं। तो गाइस, सर्जिकल ब्लेड की मदद से ऑनियन को डायसेक्ट करना है, कुछ इस तरह से कि इसमें एक स्क्वायर टाइप में आपने इसको डायसेक्ट करना है। और याद रहे कि इसकी चौड़ाई स्लाइड की चौड़ाई से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इसको डायसेक्ट इस तरह से कर लें और इसके बाद इसकी स्लाइस को बाहर निकालें। तो गाइस, आप देख सकते हैं कि ऑनियन के स्लाइस को बाहर निकाल लिया है। इस ऑनियन के स्लाइस, तमाम स्लाइस के दरमियान एक बारीक लेयर होती है जो कि सिंगल सेल लेयर पर मुश्तमिल होती है। किसी भी लेयर के दरमियान से आप उसको सेपरेट कर सकते हैं। मैं इस वाली लेयर से सेपरेट करूंगा, तो ट्वीज़र की मदद से इसको सेपरेट करना है। गाइस, ये बड़ा केयरफुल आपने इसको करना है क्योंकि ये बहुत ही नाजुक सी लेयर होती है। तो इस तरह से इसको सेपरेट कर लें। अब इसको मैं रखूँगा स्लाइड के ऊपर। याद रहे कि स्लाइड के दरमियान में ही इस लेयर को रखना है। इस तरह से आपने स्लाइड के ऊपर लेयर को पुट कर देना है। इसके बाद इस पर चंद ड्रॉप वाटर के डालेंगे ताकि इसके सेल्स माइक्रोस्कोप के नीचे ठीक तरह से नज़र आ जाएं। तो चंद ड्रॉप इस तरह से डालें, इसके बाद इनको इस पर फैला दें जी। तो गाइस, अब इसके ऊपर कवर स्लिप पुट कर दें और बिल्कुल दरमियान में कवर स्लिप रखनी है इस तरह से। तो गाइस, हमारी स्लाइड हो चुकी है प्रिपेयर फॉर द माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन। तो आप ये करीब से देख सकते हैं। अब इसके बाद इसको मैं रखूँगा माइक्रोस्कोप के स्टेज पे। क्लिप की मदद से इसको एडजस्ट कर देना है स्टेज पे इस तरह से। और उसके बाद लाइट, माइक्रोस्कोप की लाइट और हमारी ये जो स्लाइड है इसको अलाइनमेंट बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मैं इसको 4x लेंस पे ऑब्ज़र्व करूँगा, उसके बाद 10x पे, फिर उसके बाद 40x। तो गाइस, सबसे पहले 4x पे ये आप देख सकते हैं, मैंने इसको ऑब्ज़र्व किया है। इसमें बबल रह गए हैं, एयर बबल्स, बट खैर कोई नहीं। हमारी सेल नज़र आ रहे हैं ऑनियन के सेल, ये बिल्कुल ईंट मां नज़र आ रही हैं, जैसे दीवार में ईंट लगी हों, ये आप देख सकते हैं गाइस। इसके बाद इसको मैं 10x पे ऑब्ज़र्व करता हूँ। तो 10x पे आप देख सकते हैं ये ज़्यादा क्लियरली नज़र आ रहे हैं। तो गाइस, इसमें हमें देखने में जो आ रहा है नज़र के, इसके सेल का साइज़ सबका सेम है, तकरीबन सेम है, बट इनकी शेप डिफरेंट है। तो गाइस, ये आप देख सकते हैं सेल के साइड पे सेल मेम्ब्रेन इसकी वाजह तौर पर नज़र आ रही है। इसको मैं 40x पे आपको मज़ीद क्लियरली दिखा देता हूँ। ये गाइस, आप देख सकते हैं कि इसकी सेल मेम्ब्रेन क्लियरली नज़र आ रही है। थोड़ा फोकस कर लेते हैं। ये गाइस, इसकी ये इसमें एयर बबल है, ये आप देख सकते हैं एयर बबल। तो गाइस, उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दुआ में याद रखें। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।